नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज एंड फायदा है जिसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से सिलसिले में बात करने वाला हूं। ये होता क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वेबसाइटों, ईमेल, विज्ञापनों और वीडियो और ब्लॉग का उपयोग करने करके आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के अनेक प्रकार में सोशल मीडिया और मोबाइल मार्केटिंग भी शामिल है। और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के सिलसिले में, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यदि आप एक दिन में लाखों ग्राहकों तक पहुँचने की कल्पना करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सबसे तेज जो माध्यम है, कारगर माध्यम है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है। आज के समय डिजिटल दौर में अधिकांश लोग अपना ज़्यादातर समय जो है ऑनलाइन पढ़ने, जानकारी को खोजने, खरीदारी करने और सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में व्यतीत करते हैं। बिजनेस अगर हम बात करें बिजनेस उद्देश्य हो तो व्यक्तिगत उपयोग आज लगभग सभी कार्यों के इंटरनेट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का एक बेहतरीन माध्यम बना दिया है। तो और यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग बिल्कुल अलग है, जिसमें प्रिंट और होर्डिंग्स, टेलीविज़न और रेडियो जैसे माध्यम नहीं शामिल हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में आपका इंटरनेट वर्क करता है, जिसके कारण आज का पूरे तरीके से इंटरनेट पर निर्भर हो गया, जिसमें अनेक प्रकार के रिसोर्सेज शामिल हैं, जैसे कि आपकी ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये आप और गूगल एडवर्ड्स हो गए, ये आपके ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के में से आप जो है जोड़ करके अपने बिजनेस को काफ़ी आगे तक जो है क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मार्केटिंग प्लान को डिजिटल स्ट्रेटजी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञापन का लक्ष्य हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होता है कि बिजनेस कैसे अधिक से अधिक ग्राहकों तक ग्राहकों के द्वारा आ सके और मौजूदा ग्राहकों को अपने पास बनाए रखा जा सके और सेल्स बढ़ाई जा सके। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का फ्रेंड्स ये होता है कि माध्यम से आप जो है बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।